तो हाय गाइस, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया चीज़ लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो, या कैमरे पे ब्लॉगिंग कर रहे हो तभी भी ज़रूरी है, या तो मैप वैप देख रहे हो तो पता चल ही गया होगा क्या है। यह है मोबाइल होल्डर कार के लिए, जो पोर्टोनिक्स का है। ये 360 नेविगेशन फ्रेंडली माउंट है। अब ये लोग दबा कर रहे हैं ऐसे, जो भी हो ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है भाई, तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मुझे पता नहीं कुछ है। तो जो भी हो, मैं मुझे इससे पहले प्रोटोनिक का मैं ये जो है ये माइक यूज़ कर रहा हूँ, ब्लूटूथ माइक। अगर पुरानी कार में कोई कॉल करने के लिए कोई माइक नहीं रहा तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ये इसकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छा है और जो माइक की क्वालिटी है, नॉइस कैंसिलेशन, वो भी काफ़ी अच्छा है। ये कुछ पैकिंग मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो वो तो मैं छोड़ दिया इसको, और मतलब फेंक दिया उसको। ऐसे कुछ पैकिंग में आता है ये एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा ये वाला। बाकी इसमें कोई वारंटी कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं आया था रखते। वैसे कंपनी वाले एक साल की वारंटी क्लेम करते हैं, पता नहीं यार आपको वारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा, एक हिस्सा ये है जहाँ पर आप इसको मोबाइल इसे होल्ड कर सकते हो। पीछे एक बटन दिया गया है जो कि आप इसे प्रेस करोगे तो ये देखा आपने, एक साथ मैंने क्लोज कर दिया, अभी प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया और अभी प्रेस कर रहा हूँ, और ये भी इतना सा इंक्रीज हो सकता है पीछे वाला टेल बोन जो है ये। तो ऐसे ही आप इस पर कोई भी मोबाइल, जो भी डिवाइस आप कंफर्टेबल लगे वो आप इसमें डाल सकते हो, और फिट करने के बाद आप इसे प्रेस कर सकते हो। एक ये इस, अच्छा ये एकदम इसमें ये प्लास्टिक यूज़ किया गया है। प्लास्टिक की क्वालिटी वही वैसे ही है जैसे कि नॉर्मल रहता है, मैं इतना खास नहीं कहूँगा, पर ठीक है, काम चलाउ टाइप का है। ये भी प्लास्टिक का है, ये भी हिस्सा प्लास्टिक का है, इसे आप ऐसे खोल सकते हो, और ये भी प्लास्टिक का ही है यहाँ पर और यहाँ पर, और नीचे ये दोनों जगह पर रबर ग्रिपिंग दिया गया है ताकि आपके मोबाइल पे स्क्रैचेस वगैरह ना आए। यहाँ पर प्रोटोनिक का ब्रांडिंग किया गया है, इसको साइड में रखते हैं। और एक जो डब्बा आया, जो बैग आया है, उस पर निकलता है ये वाला हिस्सा। अब तो क्वालिटी वगैरह जो मैं पहले बोल देता हूँ, ये भी प्लास्टिक का है। ये बॉल हेड जो दिया गया ये भी प्लास्टिक का है। अब इसे ऐसे इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज करने के बाद आप यहाँ पे टाइट कर सकते हो ये वाला, तो टाइट हो जाएगा। आप आपके हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा करके टाइट कर सकते हो। बस ये भी प्लास्टिक का, ये भी प्लास्टिक का है। और उसके बाद यहाँ पर और एक दिया गया है एडजस्टमेंट के लिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब अगर आप कहोगे तो ये 180 तक ये टिल्ट होता है। क्योंकि मेरा जो GoPro है वो तो ख़राब हो चुका है, और पता नहीं कि मैं आगे वो उसका कितना चार्जेस आएगा, वो भी मुझे पता नहीं है। तो फिलहाल इसी से ही काम चलाऊंगा, क्योंकि अपने पास कैमरा भी बढ़िया है, और कार में ब्लॉगिंग करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि वैसे एक्शन कम चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा कुछ बात नहीं। आप अपने मोबाइल से भी ब्लॉग कर सकते हो। गाड़ी के डैशबोर्ड में यह कितनी अच्छी तरह से चिपक जाता है वो तो हम देखेंगे। दूसरी बात है, इसमें मोबाइल डालकर क्या आप ब्लॉग कर सकते हो, वो भी अच्छा खासा ब्लॉग कर सकते हो, हाँ या ना, वो भी हम देखेंगे। अगर ये काम करता है तो कोई बात नहीं है, बढ़िया है, इससे बढ़िया चीज़ कोई हो नहीं सकता है। और अगर नहीं करता है तो मैं भी वो भी बोल दूंगा आप लोगों को कि अगर दिक्कत है वो भी बोल दूंगा। आप वीडियो बने रहो, इसके बाद जो भी आप वीडियो देखोगे, जो भी ब्लॉग देखोगे वो इसी से होगा, और सामने पीछे आगे पीछे दाएं जो भी यहाँ पे देखोगे तो इसी से ही होगा। तो चलो कैमरे को स्विच करते हैं, मतलब इसको वहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर कहाँ पर लगेंगे वो दिखेंगे हम, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। तब तक के लिए आप एक काम करो, जो नीचे जो सब्सक्रिप्शन वाला बटन है ना उसको प्रेस कर दो, और जो बेल आइकन वाला बटन है उसको जोर से दबा दो, तो यार अपना भी भरा हो जाएगा। चलो कैमरे को स्विच करते हैं।
वैसे भी जो दोस्तों जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी माउंट से हो रहा है, कैमरा बैक कैमरा जब लाएंगे तब हमें इसको ऐसे टिल्ट करके एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को एंगल बढ़िया सा आए। वैसे इसमें वाइड एंगल भी आता है, ये वाइड एंगल हो गया अपने मोबाइल पर, और जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तब थोड़ा सा मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होएगा। अच्छा अभी इसको मैं यहाँ पर भी ऐसे घुमा सकता हूँ और इस तरफ भी घुमा सकता हूँ, आप लोगों से बात करते थे या कोई रह तो यहाँ भी घुमा सकता हूँ, और इसको अगर मैं वाइड एंगल डाल दूँ पीछे के रियर कैमरे से तो मेरे ख्याल से घुमाना नहीं पड़ेगा, सभी कवर हो जाएगा। तो अभी चलते हैं जिस काम के लिए हम निकले हैं वहाँ पे चलते हैं, और सीट बेल्ट तो पहनना चाहिए, तो आप भी कहीं जाने से पहले सीट बेल्ट, मतलब गाड़ी चलाने से पहले सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, ताकि कोई एक्सीडेंट होने की गुंजाइश ना रहे। जो वीडियो फोटोज देखोगे वो इसी से ही देखोगे अभी, और इसमें कितना स्टेबल रहता है क्या रहता है वो भी आपको पता चल जाएगा इस ब्लॉग के थ्रू। मेरे ख्याल से पता नहीं यार स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा सा नीचे फेविक्विक डाल दोगे तो हो जाएगा। हाँ वहाँ पे वो डैशबोर्ड पे दाग जरूर आ जाएगा जब उसको उठाओगे आप। वैसे आपको अभी जो व्यू देखोगे इसके बाद वो है रियर कैमरे से, ये फ्रंट कैमरे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो रियर कैमरे से आप व्यू देखोगे और आपको स्टेबिलिटी भी इसका अंदाजा लग जाएगा ये कितना स्टेबल रहता है। चलो पीछे के हिस्से देखो अभी, मेरे ख्याल से वो ये भी आ रहा है, हमें इसको थोड़ा सा किसी और जगह पर लगाना पड़ेगा। तो कैमरे को थोड़ा सा मैं आगे की तरफ खींच लिया हूँ, जैसे ये वो 180 वाला एंगल दिखा था ना वहाँ पे, जो रॉड जो है प्लास्टिक का दिया गया है जो आप एक्सटेंशन कर सकते हो बढ़ा सकते हो आगे की तरफ पीछे की तरफ, तो वो हमने थोड़ा सा आगे की तरफ कर लिया है, इसे आप आगे पीछे कर भी सकते हो, ये सुविधा है। जब आप फ्रंट कैमरे से ब्लॉक करोगे तब ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वैसे यहाँ से निकलते हैं फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, भाई बहुत जैम लग चुका है यहाँ पे। तो ये पीछे की कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, रियर कैमरे से और वाइड एंगल पे ये रिकॉर्ड हो रहा है फिलहाल, और देर बहुत हो चुका है तो हमको अभी जाना पड़ेगा, जल्दी चलाना पड़ेगा। तो आप इससे वाइड एंगल पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कैमरे से। दिक्कत ये है कि ये जो बाउंड की जो ग्रिपिंग है ना ये उतनी टाइट नहीं बढ़ता है, अभी अपने वाले पे है या सभी पे है मुझे पता नहीं, पर ये प्रोटोनिक का जो मॉडल लिया गया है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वैसे ठीक है लेकिन उतनी मुझे लग रहा है कि ये जब कोई भी जर्किंग मुझे भी कोई भी उबर खबर वाला रास्ता होगा ऑफ रोड वाला रास्ता होगा तब ये दिक्कत ज़रूर करेगा। अभी जो रिकॉर्ड आप देख पा रहे हो वो है वाइड एंगल लेंस पे रिकॉर्ड हो रहा है, वाइड एंगल लेंस नहीं यार मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा है एक्चुअली, तो इसे मैं बैक भी कर सकता हूँ। हाँ बैक करने के लिए मुझे क्या होगा क्योंकि मैं एक ही कैमरे से कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे एक कैमरे को फिर से खोलना पड़ेगा और उसको पीछे की तरफ डालना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे देखो मैं इसको ऐसे खोल लिया, अभी इसको ये सैमसंग S21 FE है तो इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही होगा, और अगर आप चाहो अगर हम चाहें तो इसमें जो स्टेबिलिटी है वो और भी इंक्रीज कर सकते हैं, प्रो में 170 करीब वाइड एंगल कैप्चर करता है, ये वाला आई थिंक 150 के करीब ही होगा, तो GoPro एक अलग है ये मोबाइल एक अलग है, आप दोनों को एक साथ मिक्स मत करना, पर इसमें से भी आप काम चला सकते हो अच्छी तरीके से, बस काम चलाना चाहिए आना चाहिए। चलो ये मैंने फ्रंट कैमरे पर डाल दिया वीडियो ब्लॉग को, और यहाँ से भी आप मैं पूरी वीडियो मतलब पूरी जो गाड़ी है ऑलमोस्ट कवर कर सकता हूँ, अल्ट्रा एचडी पे रिकॉर्ड हो रहा है 30 FPS पर, क्योंकि 4K है तो
ये वीडियो 4K पे आएगा, देखते वीडियो फुटेज कैसा आता है, मुझे भी देखना है एक्चुअली, मुझे भी देखना है वाइड एंगल पे कितना अच्छा रहता है रियर कैमरे से वीडियो अंदर वाला हिस्सा, और वही रियर वही फ्रंट कैमरे से अंदर वाला हिस्सा गाड़ी का कैसा रिकॉर्ड होता है, कितनी अच्छी क्वालिटी रहती है दोनों में, डिफरेंस क्या रहता है, तो मुझे भी देखना है। तो चलो गाइज, आई होप ये वीडियो थोड़ा सा होगा अच्छा लगा है, तो यार प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।